Meanwhile, thousands are expected to gather in London this afternoon for a march against the surging levels of anti-Semitism. लंदन में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा एक ग्रुप निकला प्रोटेस्ट करने के लिए एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ। अब की दफा एक मोमिन ने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया फिर से अपना सर पकड़ के बैठ गई। Thousands of British Jews and their supporters were led through the streets of London by celebrities here to condemn the rise in anti-Semitism. यानी कि जूस के खिलाफ जो नफरत आती है ना, उस नफरत के खिलाफ लोगों ने आवाजें उठाई हैं और कहते हैं कि दसियों हजार लोग आगे निकले, कोई लोग कहते हैं लाख से ऊपर लोग निकले हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं, उनको बुद्धिस्टों से उनको प्रॉब्लम नहीं। पिछले 100 सालों में ऐसा मार्च एंटी सेमिटिज्म पे आज तक लंदन में नहीं देखा गया। पिछले 100 साल में, ओवर अ सेंचुरी, 100 साल से ऊपर में नहीं देखा गया। हमने देखा है कि पूरे यूरोप में एक राइट विंग की लहर आ गई है, क्योंकि ये प्रो पैलेस्टाइन जो कि प्रो हमास प्रोटेस्ट है, इन्होंने अपनी गंदी शक्लें दिखा दी हैं दुनिया। ये आपको धक्का देंगे, जैसे ही आप मुड़ के थप्पड़ मारोगे तो रोने लग जाएंगे, बोलेंगे मुझे मारा, मुझे मारा। ये है पैलेस्टीनियन, असली इनकी औकात यही है। एनीवे, हर मुल्क के अंदर एक कौम को लेके डिबेट चल रही है, वो ये कि ये मुसलमानों के गंदे काले कारनामे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मार मार के इनको दुम्बा बनाओ सबसे पहले। जब तक मारते रहोगे तब तक इसराइल में शांति होगी। ट्रंप की MSNBC ने रिपोर्ट किया है कि उसने भी ये उसकी कैंपेन के अंदर ये डॉक्यूमेंट लीक हुई है कि उसने फिर से मुस्लिम ट्रैवल बैन लगाना है। दिन पहले एक और मोमिन ने यूपी में एक बस ड्राइवर को गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतान से जुदा पे उसको मारा, उसके ऊपर टोके से हमला किया और उसको जख्मी किया। अभी मुझे याद है नीस में, फ्रांस के शहर में, वो भी एक बंदा था जो रैंडमली बच्चों को छुरियां मारने लग गया। वो वीडियो भी वायरल हुई थी, मेरा ख्याल जून की बात है शायद, ये जून या जुलाई की। तो इस तरह के कारनामे आए दिन होते रहते हैं और लोग तंग आते जा रहे हैं। हमने देखा है कि पूरे यूरोप में एक राइट विंग की लहर आ गई है, क्योंकि ये प्रो पैलेस्टाइन जो कि प्रो हमास प्रोटेस्ट है, इन्होंने अपनी गंदी शक्लें दिखा दी हैं दुनिया को। और उसी के दरमियान में नेदरलैंड में इलेक्शंस हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो बहुत बड़ा, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा इस्लामोफोब पॉलिटिशियन है गिर्त विल्डर्स, उसको उन्होंने सबसे ज्यादा वोट दे दिए। तो इटली में भी हमने देखा, वो मेलोनिया है उसका नाम, जॉर्जिया मेलोनी, उसने भी वो भी पावर में आई। और अब देखने ट्रंप भी शायद पावर में आएगा। ट्रंप की MSNBC ने रिपोर्ट किया कि उसने भी ये उसकी कैंपेन के अंदर ये डॉक्यूमेंट लीक हुई है कि उसने फिर से मुस्लिम ट्रैवल बैन लगाना है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं, उनको बुद्धिस्टों से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब यहूदियों से प्रॉब्लम नहीं, जो फार राइट के जो उनके ट्रू रेसिस्ट हैं, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं, उनको है यहूदियों से प्रॉब्लम, उनको है। लेकिन जो मोस्टली जो समझदार लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो सबको अगर उनके साथ अच्छे से बात करोगे तो वो अच्छे से बात करेंगे, उनके साथ बदमाशी करोगे तो बदमाशी करेंगे, जो नॉर्मल इंसानों का रवैया होता है, वो सारे एक कौम से परेशान है और वो ये वाली परेशानी है। तो उसी तरह एक तरफ ये प्रो हमास प्रो पैलेस्टाइन कर रहे थे, तो यहां पर एक अल्जेरियन माइग्रेंट ने, 50 साल का था, उसने एक औरत को छुरियां मारी, वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में, एक मर्द को छुरियां मारी, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में, और 3 बच्चों को छुरियां मारी, उनमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया, दूसरा भी केयर ले रहा और तीसरा जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है बच्चा। तो लोगों ने वहां पे जो खड़े हुए थे उन्होंने इसको पकड़ लिया, वो उसको फिर धोया अच्छा खासा, और फिर पुलिस आई और पुलिस ने आके उसको अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ, क्योंकि जब ये प्रेशर कुकर सिचुएशन आपने बना दिया, जब इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों को नजर आ रहा है मुसलमानों के काले मोले काम जो है, इनको छुपाना नामुमकिन हो गया। अब ये हर मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर एक कौम को लेके डिबेट चल रही है, वो ये कि ये मुसलमानों के गंदे काले कारनामे, और ऊपर से जो हमास ने किया उसको भी प्रमोट करते हैं, उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने दुनिया को इनका जो मकरू चेहरा है वो नजर आ रहा है। और सॉरी टू से, चाहे मॉडरेट मुसलमान हो या रेडिकल हो, लिपस्टिक मुसलमान हो, चाहे यू नो को बड़ा दाढ़ी वाला हो, ये सारे अपने इश्यूज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। There might be some exceptions, कुछ 5-10% लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं यार ये छोड़ो जरा, हम आपसे गलत किया या हमें मुसलमानों को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, होंगे कुछ। लेकिन हम तो उसी नैरेटिव पे जाएंगे जो डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू है। मुसलमानों का जब भी चेहरा देखा जाता है तो उनका चेहरा यही देखा जाता है, शरीयत है जी, इस्लामोफोबिया, हम पे क्रिटिसाइज कर दिया, रेसिज्म हो गया, इनकी गंदी शक्ल इनको दिखाओ। तो बजाय इसके कि उसको करेक्ट करें, रोना धोना कर देते हैं। और ऊपर से माइग्रेशन, जो इनके माइग्रेंट्स हैं, वो यार इंडिया पाकिस्तान के लोग, इंडिया के पंजाबी, हमारे पंजाबी, यहाँ की साइड के जो पंजाबी हैं वहां पे
में जाके गंदे काम करते हैं, उधर की साइड के जो पंजाबी हैं वो कुछ भी नहीं करते। क्या वजह? एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है आपका मजहब। उसी मजहब के अंदर चाहे वो अल्जेरियन मुसलमान हो, चाहे मोरक्को का मुसलमान हो, चाहे दागिस्तान का मुसलमान हो, चाहे अपना पाकिस्तान का मुसलमान हो, सारे। मैं आपको बताऊंगा इनमें कौन कौन से बड़े नाम इनके साथ में निकले हैं। पहला इनमें देखिए, इसमें चीफ रैबाई एफ्रेम मिरविस है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी निकले। ये लंदन में मार्च हुआ था और ये ऑर्गेनाइज्ड बाय कैंपेन अगेंस्ट एंटी सेमिटिज्म, लार्जेस्ट एंटी सेमिटिज्म मार्च इन लंदन ओवर अ सेंचुरी। पिछले 100 सालों में ऐसा मार्च एंटी सेमिटिज्म पे आज तक लंदन में नहीं देखा गया, पिछले 100 साल में, ओवर अ सेंचुरी, 100 साल से ऊपर में नहीं देखा गया। इसमें इजरायली फ्लैग और यूनियन जैक को एक साथ, यूनियन जैक जो उनका फ्लैग है, अंग्रेजों का फ्लैग आपने देखा होगा, वाइट में ऐसे लाल स्ट्राइप्स बनी रहती हैं, यूनियन जैक, और वहां पे इजराइल का स्टार ऑफ डेविड लगा हुआ है, वो फ्लैग एक साथ लोग लेके निकले, और उनके पास बैनर थे जिन बैनर्स में लिखा था नेवर अगेन इज नाउ एंड जीरो टॉलरेंस फॉर एंटी सेमाइट्स। अब ये जब से इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई है तो सबसे पहले ये जो बात शुरू हुई थी पैलेस्टीनियन ने शुरू करी थी, सड़क पे आके गंद मचाना, वही जो पैलेस्टीन में गाजा में करते हैं ये लोग, वही चीजें लोग लंदन में, अमेरिका में, हर जगह ये लोग करने लगे। ये आपको धक्का देंगे, जैसे ही आप मुड़ के थप्पड़ मारोगे तो रोने लग जाएंगे, बोलेंगे मुझे मारा, मुझे मारा। ये है पैलेस्टीनियन, असली इनकी औकात यही है। एनीवे, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हुई थी उसके एक दिन पहले, जहां पे कई पैलेस्टीनियन आए थे और बोला था कि परमानेंट सीज फायर इन द इजराइल हमास वॉर, स्टॉप द वॉर कोएलिशन, द ऑर्गेनाइजर्स संडे रैली एम्फसाइज्ड ऑपोजिशन टू रेसिज्म, एंटी सेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया एंड अमंग पर। देखिए बात यह, मैं आपको बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। ये सब पैलेस्टीनियन चोर रहे हैं, फ्रॉड एक नंबर के, सबके सब, मैं बता रहा हूँ। कुछ कुछ होंगे जो इनोसेंट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन लार्जली ये सब चुट्टे हैं, ठीक है। इन्होंने प्ले कर दिया विक्टिम कार्ड। मैं इसराइल को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब तक आपके बंदे वहाँ पे फंसे हुए हैं, जब तक होस्टेजेस फंसे हुए हैं, आपको सीज फायर करना है, आपको जो करना है आप करो, अपने बंदे निकाल के लाओ, फिर एक एक करके हमास वालों को ठंडा करना, एक एक करके। और मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ज़रूरी है हमास वालों को ठंडा करना। पूरी दुनिया इसराइल से कह रही है सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो, हाय हाय मार दिया, हाय हाय मार दिया, हाय हाय बर्बाद कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब इसराइल को नसीहत दे रहे हैं, सब इसराइल को सलाह दे रहे हैं, सब इसराइल को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से खून खराब हो रहा है, चलो ठीक है। एक भी देश इसराइल को ये गारंटी नहीं कर रहा कि ठीक है हमास आगे से तुम पे हमला नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, कोई भी अरब देश, कोई भी मुस्लिम देश इसके बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहा है यार? कुछ बताओ ना हमको, कुछ तो आइडिया दो कि जनाब ये स्टोरी है, ठीक है आप भी अमन से रहो, वो भी अमन से रहेंगे, आप यानी कि पैलेस्टीनियंस अमन से रहो, यहूदियों को भी अमन से रहने दो। नहीं, ये चाहते नहीं है कि यहूदी अमन से रहें, ये चाहते नहीं हैं कि यहूदी अमन से रहें, ये चाहते हैं कि यहूदी मर जाएं, उनको समुंदर में डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। ये लोग तो खुल के बोलते हैं यार, फिलिस्तीनी खुल के बोलते हैं, इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा, और इसराइल कह रहा है कि हम चाहते भी नहीं तुम एक्सेप्ट करो, तुम मार मार के वैसे सुअर बना देंगे, तुम क्या कर लोगे बताओ। अब यहां पर तक बात आ गई है, तो भाई इसमें साफ सीधी बात है, ये सीज फायर तभी तक चलेगा, ये सीज फायर दोस्तों तभी तक अच्छा लगता है जब तक ये इनके हॉस्टेजेस वापस नहीं आते। जिस दिन हॉस्टेजेस आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मार मार के इनको दुम्बा बनाओ सबसे पहले, जब तक मारते रहोगे तब तक इसराइल में शांति होगी। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पूरा वर्ल्ड मुस्लिम के आतंक से परेशान है, और इसी की ताजा मिसाल है कि लंदन में 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने एंटी सिमिज्म को लेकर के एक रैली निकाली। पूरा वर्ल्ड मुस्लिमों से काफी ज्यादा परेशान, क्योंकि ये लोग पहले माइग्रेंट बन के जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां पे कब्जा करके उस पे अपना राज्य चलाना चाहते हैं। इसी की ताजा मिसाल है कि यूरोप आज इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान है, और इसीलिए इतनी बड़ी रैली निकली है। आपको बता दें कि ये जब भी कुछ होता है तो एकजुट होकर के सामने वाले को काफी ज्यादा परेशान करने का प्रयास करते हैं, और उसी की ताजा मिसाल है कि जब फलस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद हुआ तो लंदन में आए दिन फलस्तीनियों के समर्थन में लोग रोड पे इकट्ठा हो जाते थे, और उससे काफी ज्यादा लोगों को परेशानी होती थी। इसी को देखते हुए लंदन के लोगों ने भी इंडियन डायस्पोरा और इजरायली ज्यूस के डायस्पोरा के साथ मिलकर के काफी तगड़ा मार्च किया, जिसे देख करके पूरे विश्व भर के मुस्लिम देश काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि लंदन में अब तक की
सबसे बड़ी रैली थी। 100 साल तक ऐसी रैली नहीं हुई थी। आपको बता दें कि इस रैली में बहुत बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। और वहीं दूसरी तरफ बोरिस जॉनसन जो कि काफी मशहूर नेता है, वो भी इस रैली में शामिल थे। आपको बता दें कि ऐसी रैली को देख करके जिहादियों के हाथ कांप गए, क्योंकि जिहादी अभी तक इकट्ठा होते थे तो 400-500 हजार तक जाते थे, लेकिन अब की बार जब रैली हुई 1 लाख से ज्यादा लोग थे, जिसे देख करके पाकिस्तानी उमा काफी ज्यादा हैरान परेशान। आपको बता दें कि पाकिस्तानी उमा के लीडर अपने आप को पाकिस्तान समझता है, लेकिन पाकिस्तान के ही ज्यादातर माइग्रेंट हैं जो कि आए दिन इधर उधर पकड़े जाते हैं आतंकवादियों के रूप में, और इनके वजह से पूरा विश्व परेशान है आतंकवादियों से। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।